Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, my name is Taran and I really love to make vlog videos, everything here on this channel. So if you are new, make sure to subscribe to my channel and let's get started with today's video. So मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना वीक इन माई लाइफ इन कैनेडा. सो आज है मंडे और मैं तैयार हो रही हूँ काम पे जाने के लिए. सो मैं 5:30 के अराउंड उठ के फ्रेश होके रेडी हो जाती हूँ, सिंपल से कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा है वहाँ पे कपड़े गंदे होते हैं. सो मैं ट्राई करती हूँ सिंपल कपड़े पहन के जाऊँ एंड सिंपल सा मैं रेडी होके जाती हूँ स्किन केयर करके अच्छे से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है आजकल, कभी कभी गर्मी बहुत होती है. सो आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई स्किन एज वेल. मंडे वाले दिन मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मंडे वाले दिन थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि वीक स्टार्ट हो रहा है. सो जब वीक एंड होना स्टार्ट हो जाता है तब मैं खुश होना स्टार्ट हो जाती हूँ. आई डोंट नो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट या आई एम ऑलरेडी काम पे. आज हमें प्लांटिंग करनी थी, मैं प्लांटिंग लाइन पे वर्क कर रही थी पूरा दिन. सो वी डिड दैट सक्सेसफुली, हमारा दिन निकल गया. 3:30 के अराउंड मुझे छुट्टी होती है एंड वहीं पे मैं लंच भी कर लेती हूँ. लंच में मैं लेके गई थी गाजर की सब्जी एंड देन आई रीच्ड होम. घर पहुँच के बहुत खुशी होती है और मैं थक भी जाती हूँ. सो एक घंटा तो मुझे ऐसा होता है कि मैं आराम से बैठूँ, चिल करूँ एंड या दैट वॉज इट. सो हाय गाइस, आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वाइल, काम से आ गए ना, थोड़ी देर रेस्ट करके अभी मैं नहा लेती हूँ क्योंकि मैं शाम को ही नहाती हूँ रोज. सो या दिन पूरा मेरा काम में निकल जाता है. अभी 5 बज गए हैं, मतलब मैं 4 बजे के अराउंड पहुँचती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके. अभी नहा के फिर चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू हो जाएगी एंड डिनर वगैरह बनाएंगे. सो या लेट्स सी आज मैं क्या क्या करती हूँ, आई एम गोना रिकॉर्ड दैट. सो या पहले नहाते हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. माई रूम इज़ अ मेस राइट नाउ, इतना खिलारा पड़ा है. मैं कब से सोच रही हूँ कल करूँगी कल करूँगी, अभी मैं पूरी पागल लग रही हूँ. पहले मैं नहा के आती हूँ एंड फिर मिलती हूँ नहा के. लाइट बहुत बुरी है मेरे रूम में, आई एम गोना बाय रिंग लाइट वेरी सून. लाइक मैं जब से आई हूँ तब से सोच ही रही हूँ, लाइक आज मैं कर दूँगी पक्का ऑर्डर. सो चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं एंड देन विल सी क्या करना है रात को. मैं ज़्यादातर ना बैठ के इंडीड पे अप्लाई करती रहती हूँ जॉब्स, लाइक मेरी जॉब सर्च अभी ख़त्म नहीं हुई है. तो यार अभी चाय बनाते हैं, लेट्स गो. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मेरा ज़्यादातर रूटीन सेम ही होता है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. सो सेम रूटीन, सुबह सुबह उठना, काम पे जाना एंड फिर घर आके फिर अगले दिन की तैयारी करना. सो लाइफ इज़ सो बिजी हियर एंड आज मैं ओट्स बना के लेके गई थी शॉर्ट ब्रेक के लिए, बहुत ज़्यादा यमी बने थे एंड आई वॉज़ वर्किंग इन दिस ग्रीन हाउस. बहुत ही प्यारे फ्लावर्स निकले हुए थे, इनको देख के थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो जाता है. सो हाय गाइस, आई एम बैक फ्रॉम वर्क एंड आई डोंट नो, मेरे में आजकल ना बहुत ज़्यादा मैं लो चल रही हूँ, लाइक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है. पहले मैंने सोचा था ऑर्गेनाइज करूँगी, कैंडल जला के पढ़ूँगी ये वो, बट लेट्स डू इट टमोरो. कल पे छोड़ रही हूँ, प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ इतने दिनों से, कल करूँगी. सो लेट इट बी, आज थोड़ा चिल करते हैं. मैंने राजमा बनाने रखे हैं सो बन जाएंगे थोड़ी देर तक एंड वी हैव राजमा चावल एंड साथ में कुछ देखते हैं, थोड़ा चिल करते हैं आज. आई एम गोना टेक बाथ एंड उसके बाद राजमा चावल एंड चिल, दैट्स द प्लान. काम से आके शाम को ना घर पे भी बात करती हूँ, लाइक घर वालों से बात करना इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग को शांति मिलती है. यहाँ पे 3 दिन गुजर गया, मैंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है इस वीडियो में. अभी मैं सब्जी बना के आई थी, बाद में मुझे याद आया मैं व्लॉग भी बना रही हूँ. सो आई एम गोना टेक बाथ एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी बकबक. सो स्टे ट्यून्ड. इट इज़ दी सैटरडे, लाइक मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ एंड या आई एम गोइंग टू कॉलेज. लेट्स गेट रेडी फटाफट से एंड आई एम गोना सी यू इन द कॉलेज. फटाफट से तैयार होते हैं पहले कि मैं लेट हूँ, लेट होना ज़रूरी है मेरी लाइफ में.
बैग पैक हो गया है, टिफिन मेरे पास आज नहीं है, लेट्स सी वहीं पे जाके कुछ खाते हैं एंड लेट्स गो। There is no sugar added. Okay. All the sugar is natural flavor. Cause baby like So hi guys, I just came home back from college. So आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही है। तो उससे पहले कि मैं चाय बनाऊँ, आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग द स्टडी परमिट एलिजिबिलिटी, कौन से कॉलेज प्राइवेट पब्लिक है, एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न है इसके बारे में। सो मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ द इमिग्रेशन गुरुज। आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द स्टडी वीज़ा एंड कॉलेजेस कौन से एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, एंड स्टडी वीज़ा ईजिली अगर आप लगवाना चाहते हो तो मैंने लिंक दिया है, उसको खोलो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। आप बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे उसमें। एंड ये ट्रस्टेड लोग हैं, सो आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। एंड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे इनकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे भी आपको इनका पेज मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। सो अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, सिली से सिली क्वेश्चन पूछो, जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं पूछो इनसे, और आप अपना स्टडी वीज़ा इनसे लगवा सकते हैं एंड इनके कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं होते अपने। सो गो अहेड, बुक एन अपॉइंटमेंट, आप इनसे बातें करो, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द वर्क परमिट एलिजिबिलिटी, कौन से कॉलेजेस आपको चूज़ करने चाहिए, कहाँ पे आपको कॉलेज अपना चूज़ करना चाहिए, वो सारी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो अगर आपकी स्टडी में भी गैप है ना, तब भी आपका ये स्टडी वीज़ा लगवा देंगे, क्योंकि इन्होंने एक 51 ईयर ओल्ड पर्सन का भी वीज़ा लगवाया है, स्टडी वीज़ा लगवाया है। सो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप फॉर्म फिल करो एंड उनसे आप बात कर सकते हो। एंड या दिस इज़ वेरी सिंपल, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो एंड अपना स्टडी वीज़ा लगवाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड नाउ आई एम गोना मेक माई सेल्फ अ टी। चाय बनाते हैं एंड पीते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सो चाय बनाते हैं अभी। तो गाइज अभी शाम हो गया एंड आई एम प्लानिंग टू गो आउट फॉर डिनर विद माई फ्रेंड्स, सो आई एम गेटिंग रेडी। आई ऑल्सो गॉट दिस बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम सफोरा टूडे। लाइक बर्थडे के बाद आप ले सकते हो, आई थिंक 2 weeks तक। सो आई गॉट दिस, मतलब वैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कुछ लिया एंड उन्होंने मुझे दे दिया गिफ्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सो लेट्स ट्राई दिस, दिस इज़ अ क्लियर ब्रॉ जेल। I also have this cute lip oil. I really like this one. I'm happy with my birthday gift. Thank you Sephora for this gift. कल संडे है तो कल मैं सारी सफाई करूँगी, अपना रूम पहले जैसा बनाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत मेस कर दी यहाँ पे। सो आई एम ऑल रेडी एंड मैंने बहुत टाइम के बाद ये वाला कार्डिगन पहना है अपना। So let's go, I'm all ready. Hi guys, good morning. It's Sunday today. So Sunday वाले दिन बहुत ज़्यादा काम है, start करते हैं। अभी पहले नहा के आती हूँ मैं, फिर मुझे ग्रोसरी करने जाना है एंड लॉन्ड्री करनी है, बहुत सारे काम है। So let's get started with the Sunday के बहुत सारे काम and it's gonna be a busy day, but I like sometimes I like Sundays and कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा
संडे बुरे लगते हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे वाला ऐसा होता है ना कि वीक स्टार्ट हो जाएगा, वैसी वाली एंग्जाइटी हो जाती है। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नहाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं एंड बाकी का फिर बाद में देखते हैं। मुझे रूम ऑर्गेनाइज करना है। अ वेरी हैप्पी संडे टू यू ऑल। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग। I got ready. अभी groceries करने चलते सबसे पहले, so let's go. I'm back from grocery shopping and काफी time लग गया मैं अपने लिए body wash वगैरह खत्म हो जाती हैं चीज़ें वो लेके। मैं try करने वाली हूँ ये shampoo, conditioner, पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पे बालों का। सो आई एम गोना ट्राई दिस। आई आल्सो गॉट दिस फॉर माय एक्ने। लेट्स सी क्या होता है इसका, ट्राई करके देख लेते हैं अभी। अभी कुछ बनाते हैं, थोड़ा जितना भी ऑर्गेनाइज करना था मैंने कर लिया है, फिर मैं कुछ आराम से बैठ के देखती हूँ एंड थोड़ा चिल करते हैं क्योंकि संडे है। बहुत काम कर लिए अभी, सो कुछ तो मैं सीरीज देखने वाली हूँ एंड साथ में खाना खाते हैं, डिनर खाते हैं एंड ओट्स बनाना है मुझे मॉर्निंग के लिए, बस वो काम रह गया है।